जी नाजी, मैंने तमाम पेटे करके रख लिए हैं और मैंने इनको, आप देख रहे होंगे शाइन शाइन, मैंने इनको थोड़ा सा ऑयलिंग इनकी कर दी है ताकि इनके ऊपर जो है ना वो ये ड्राई ना हो। ठीक है, अब हम उठाते हैं, मैदा डस्ट करेंगे और इसके अंदर वो ही अपना बनाए हुए पेड़े हम रखेंगे और इसको हम इसकी रोटी भी लेंगे। तो नाजी, आप देख रहे हैं कि पतली सी रोटी जो है मैंने बेल ली है, ठीक है, लेकिन मुझे अब ये गोल है सर्कल शेप में, तो मुझे रेक्टेंगल शेप चाहिए, तो घर का कोई भी बर्तन उठा लूँगी मैं, ये रेक्टेंगल है तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रखूँगी और थोड़ा सा इसको दबाऊँगी ताकि इसकी शेप वहाँ पर आ जाए। आप देख रहे हैं कि शेप जो है मैं ले आई हूँ कोई सा भी बर्तन उठा के, ठीक है, अब हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। उससे जस्ट हमने शेप देनी थी, अब हम जो है पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ की मदद से इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। चलिए जी, अब इसको हम साइड से यहाँ से निकाल लेना है, डोंट वरी, इसको दोबारा से बेल के भी बनाया जा सकता है या इसकी हम बनाएंगे पापड़ियाँ फॉर चॉट। जी नाजी, मैंने इसको उठाया ना तो ये ऐसे देखो कितना ज़बरदस्त गले का डिज़ाइन बन गया है, ईद आ रही है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। इसको ऐसे कर लेना है और इसको भी ऐसे कर लेना है और इसको भी ऐसे कर लेना है, बहुत ईजी है, एरोप्लेन बनाना है और उड़ा देना है ऐसा कुछ नहीं करना जी, ऐसे ऐसे करके ठीक है, और बड़े ही कोई ध्यान के साथ इसको अब हमने पलट के रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये देखें इधर रखेंगे हम सेंटर में थोड़ी सी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी। अब इसको रखेंगे हम यहाँ, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने दूसरी साइड पे की है, और इसको यहाँ, ठीक है, और इनको आपस में चिपका देना है हमने, देखें जी कुछ इस तरह उठाना है, ठीक है, इसको भी लेके यहाँ चले जाना है और इसको भी इसके साथ यूँ चिपका देना है, अगर ना चिपके तो आप लोगों ने पानी लगा लेना है, लेकिन जो लेप नहीं है वो भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब रह गए ये, इसी को भी हम इसी तरह और थोड़ा सा इधर करेंगे और ये जी चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से चिपकाएंगे और यहाँ से चिपकाएंगे और यहाँ से चिपकाएंगे। अब यहाँ से ये हो चुका है, अब हमने इसको फिर उल्टा कर लेना है, इसके फ्लावर बनाना है, इसको हमने यूँ निकाल लेना है बिल्कुल जैसे पकड़ के बकरी के कान, लेकिन ये फूल की ना पैटर्न्स हैं, अच्छा समझ चाहिए आप लोगों को, ये मैंने कहा आप लोगों को सारा दिखा के चलूँ। चले जी, अब हम इसको फिर से करते हैं सीधा और यहाँ से आपको दिखाते हैं कितना प्यारा फ्लावर बन गया है। चले जी, फूल हमारा रेडी है फॉर फ्राइंग। जी नाजी, अभी एक और हम स्टाइल का समोसा रेडी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल गोल सर्कल काट लेना है, का हम बना लेना है, अगर नहीं बनता तो किसी भी शेप से आप लोगों ने काट लेना, और इसके हाफ में रख देनी है फिलिंग हमने, ठीक है, इस तरह करके थोड़ी सी। अब इसको उठा के हम रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है, अब हमने, ठीक है, यहाँ पे लगाना है पानी, ठीक है, पेस्ट बना के रखा हुआ वो लगाएंगे हम यहाँ सारे हाफ पे, हमें यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से उठाते हुए जाना है, शेप्स बनानी है, फिर इस तरह से उठाना है और शेप्स बनानी है, बहुत ही मज़े का काम लगता है ये। इसके अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट पे, इसी तरह करके, ठीक है, यूँ करके, ये वाली इसकी टेक्निक से बस और कुछ भी नहीं, और इतना मज़े का डिज़ाइन लगता है और करने में भी मज़ा आता है। लीजिए एक और समोसा रेडी है। जी मेरे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने एक और रोटी गोल बेल ली है, अब एक और डिज़ाइन हम बनाएंगे, सेंटर में रखेंगे मैं कटोरी को, बिल्कुल मुझे गोल शेप चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, और ये रहेगी इधर और इसको हम उठा लेते हैं। अब इसके सेंटर में हमने रखी है थोड़ी सी फिलिंग, इसकी बनानी है पोटली, वो आप लोगों को मैं बताती हुई चलती हूँ, यहाँ से इसको उठाना है, ठीक है, और यूँ इसको उठाना है और यूँ इसको उठाना है, यूँ इसको उठाना है और यूँ इसको उठाना है। अब ना मैंने चुप रहना, मैंने बोलना नहीं है, उसके रीज़न पता क्या है, अब अफ्तारी का टाइम नज़दीक और मेरी ना आज बस हो गई, आज की दो तीन वीडियो शूट्स करनी थी हमने ना, तो आज वो की है। ये देखें जी, पोटली हमारी रेडी हो गई है, अब इसको लगाएंगे हम एक रिबन, बची हुई पट्टियाँ इसका हम काट देंगे, एक स्ट्रिप चाहिए हमें बस, ये देखें जी कुछ इस तरह की जो मैंने इसके लिए गले के डिज़ाइन बचा बचा के रखे थे ना, वो मैंने वो उठा लिया है, काट लिया है, ठीक है, ये देखें जी, अब इसको लगाएंगे हम इसके इर्द गिर्द, ठीक है, कुछ इस तरह से करके और कुछ इस तरह से करके, देखें जी कितनी प्यारी बन गई है। हमें एक बड़ा स्क्वायर शेप चाहिए, ठीक है, और यहाँ से इसके सेंटर में हमने जाना है बस यहाँ तक, ठीक है, और इधर से भी हमने जाना है बस यहाँ तक, फिर रखेंगे हम थोड़ी सी फिलिंग, अब इसको हम उठाएंगे और यहाँ इसके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और इसको हम बिल्कुल जो है इसके साथ चिपका देंगे, ठीक है, हमने फिर इस तरह की स्ट्रिप्स काट लेनी, इधर की भी सारी काट लेनी और उधर की भी सारी, ठीक है।
अब हम इसको उठा यूँ रखते हुए जाएंगे और फिर इसको यूँ रखते हुए जाएंगे, फिर एक उठाएंगे और इसको यूँ रखते हुए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्ट्रिप्स होनी है ना दोनों साइडों की, उसको यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। ये देखें जी, ये फ्राई करते हैं अब इनको, हम ऑयल से रिमूव करते हैं। इस तरह का लाइट गोल्डन कलर कर लेना आप लोगों ने। चलिए जी मैं भी बस यहाँ पे, हमें इजाजत, तरीका हो रहा है, टाइम और ढेर सारे रस्मों की शक्लें हमने आप लोगों को बनाना सिखा दी है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा अपने और अपने प्यारे को रखिएगा, ढेर सारे ख्याल रखिएगा। लव यू एवरीवन।